टू तिलक अकेडमी, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन्स के आगे की ऑब्जेक्टिव्स की। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे, उसके पहले हमने सारे रूल पढ़ लिए, तो अब आगे के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव का, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है द फ्लेम स्प्रेड इन ऑल फिल इन द ब्लैंक्स। तो द फ्लेम स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, डायरेक्शंस आएगा, क्योंकि जो फ्लेम होती है वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड। सो इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, तो इसका स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए ये आपसे पूछा है। तो यह आएगा एज इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, बी वाला। तो एज इट वॉज अ पब्लिक हॉलीडे ऑल शॉप्स वर क्लोज, मतलब जैसा कि कब हो रहा ना, जैसा कि पब्लिक हॉलीडे है तो सारी शॉप्स क्लोज है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, शी कॉट अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द थीव्स, सॉरी थीफ, शी कॉट अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द थीफ एज ही मेड हिज गेटवे। तो शी कॉट, यहाँ पे आएगा ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, ठीक है। तो शी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ थीफ एज ही मेड हिज गेटवे, क्लियर है। तो ग्लिम्स आएगा यहाँ पे क्योंकि उसका मतलब झलक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्क एटलीस्ट 6 hours इन अ डे और यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ, क्या आएगा, श्योर ऑफ फेम, इंडिपेंडेंस, पॉपुलरिटी, नहीं सक्सेस। तो क्या आएगा, डी वाला ऑप्शन, इट विल बी सक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं, फोर पीपल विथ हियरिंग डिफिकल्टीज टेलीफोन्स विथ वॉल्यूम कंट्रोल्स प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन। तो टेलीफोन जो वॉल्यूम कंट्रोल के साथ होते हैं, जो हियरिंग डिफिकल्टीज होती है पीपल्स को, उनके लिए बढ़िया सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, आई वॉन्टेड टू फिल इन द ब्लैंक्स द एक्टर बट माई कार ब्रोक डाउन, ठीक है। सो आई वॉन्टेड टू, यहाँ आएगा मीट, आई वॉन्टेड टू मीट, क्योंकि टू इन्फिनिटी, उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो मीट। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ नो यूज आएगा, वैल्यू आएगा, इंपॉर्टेंस आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो दिस इज द मैटर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, मैटर की बात हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्पोक इन अ डिस्टिंक्ट मैथड वॉइस स्पीच और साउंड। तो जब अलग आवाज में बोलने की बात आती है, आवाज का भाव आ रहा है, तो वॉइस आएगा, ही स्पोक इन अ डिस्टिंक्ट वॉइस, वॉइस यहाँ से ही नाउन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेन आवर ओरिजिनल प्लान फेल्ड We had to think of something to do in place or else otherwise or instead. तो हमारे पास आएगा instead. Instead का मतलब होता है के बजाय। तो अगर कोई प्लान फेल होता है तो उसकी बजाय दूसरा हमको सोचना चाहिए करने का। नेक्स्ट देखते हैं, I could not tell what time it was because the workmen had moved the fill in the blanks of the clock. तो moved the आएगा hands of the clock. तो जब क्लॉक की घड़ी की सुइयों की बात होती है तो उसको हैंड बोला जाता है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, है ना, हैंड वहाँ पे करेक्ट है, निडल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द टीवी चैनल्स आर प्रोवाइडिंग एक्सटेंसिव फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट। तो एक्सटेंसिव कवरेज आएगा, होता है ना कवरेज, सारे टीवी चैनल जो स्पोर्ट इवेंट का क्या रहते थे, एक्सटेंसिव कवरेज ले रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही परसिस्टेड इन disobeying the fill in the blanks. तो disobeying लिखा है, that means यहाँ पे order आएगा, तो he persisted in disobeying the orders. Next देखते हैं, each of the exercise fill in the blanks 1 or 2 minutes to do. देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, each of the exercises takes 1 or 2 minutes to do. यहाँ पे takes आएगा क्योंकि each के बाद में देखो exercises आया, उसके बाद में क्या आएगा, takes आएगा, plural verb. नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट में क्या देख के रखा है, विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज बोथ वर्ब एंड नाउन। कौन से वर्ब वर्ड इसमें ऐसे हैं जो वर्ब और नाउन दोनों के जैसे यूज कर सकते हैं। तो इंस्पायर हो गया, रिमेंबर हो गया, सप्रेस हो गया और ब्लेम हो गया। तो यहाँ पे ब्लेम जो होगा वो सही आंसर होगा, इंस्पायर तो नहीं कर सकते आप, रिमेंबर यानी कि याद रखना वो भी नहीं, सप्रेस यानी किसी को दबाना, और ब्लेम करना यानी कि इसको हम वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। सो ब्लेम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी यूज अ लिटिल फिल इन द ब्लैंक्स इन आवर कुकिंग. सो वी यूज अ लिटिल ऑयल आएगा यहाँ पे. ऑयल्स तो आएगा नहीं, ऑयली भी आएगा नहीं, ऑयलिंग भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? बी वाला ऑप्शन ऑयल इज करेक्ट नाउ. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है वन हु इज श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस इज ए और एन. फिर उसको बोलते हैं कि ही इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब एक ऐसा बंदा जो भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानता, दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक. तो यहाँ पे एग्नोस्टिक का मतलब ही होता है अनईश्वरवादी, है ना, अईश्वरवादी जो टाइप के बंदे होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक. नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ थीव्स हु वर एक्टिव इन अवर एरिया. तो यहाँ पे लिखा है अरेस्टेड द क्राउड ऑफ थीव्स, तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? गैंग होती है थीव्स की, क्या होती है? गैंग होती है, तो गैंग ऑफ थीव्स. नेक्स्ट देखते हैं, द टेबल हैज अ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बुक्स नीटली प्लेस्ड ऑन इट. तो द टेबल हैज अ स्टैक आएगा, स्टैक ऑफ बुक्स का मतलब होता है किताबों का ढेर, ठीक है, तो यहाँ पे बुक का स्टैक होता है तो स्टैक ऑफ बुक्स आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग डिससेटिस्फाइड विथ हिज जॉब ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोजिशन. तो पोजिशन से उसने रिजाइन किया, स्टेटस से और चेयर से या रैंक से रिजाइन नहीं करता कोई, पोजिशन से. नेक्स्ट देखते हैं, द वर्कर रिसीव्ड अ फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन ही वॉज इंजर्ड एट वर्क. तो क्या मिला उसको? कंपनसेशन. तो जब भी इंजर्ड हुआ वो वर्क करते टाइम, तो उसको कंपनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, जो आपका जो कंपनसेशन है वो फोर्थ वाला ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू गिव अप स्मोकिंग यू नीड टू एक्सरसाइज ग्रेट विल पावर. विल पावर आएगा इसके अंदर, क्योंकि अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो आपका जो विल पावर होना चाहिए वो बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं, दीज विंडोज आर मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है, तो ग्लासेस नहीं होगा, ग्लासेस तो वो फिर चश्मे वाला काम हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा ग्लास. नेक्स्ट देखते हैं, हिज सक्सेस हैज बीन बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन. ये तो बहुत फेमस है, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, उसकी जो सक्सेस है वो मेरे एक्सपेक्टेशन से परे है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू गैस वॉट हर फिल इन द ब्लैंक्स टू द न्यूज़ वुड बी. वॉट हर रिएक्शन टू द न्यूज़ वुड बी. तो न्यूज़ पे क्या होता है? रिएक्शन होता है. ठीक है, तो न्यूज़ पे रिएक्शन होगा, एक्सप्रेशन तो होगा नहीं, इंटेंशन नहीं होगा, आइडियाज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे रिएक्शन आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ टेरिबल दैट पीपल शुड डाई ऑफ स्टारवेशन. देखो यहाँ पे भूख से जब मरा जाता है, भूख से मरने के लिए अगर बात करें तो स्टारवेशन का प्रयोग किया जाता है. ठीक है, फास्ट का मतलब होता है उपवास करना, जानबूझ के उपवास करते हैं, दैट इज फास्टिंग. बट अगर भूख से कोई मर रहा है, खाने की कमी के कारण मर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टारवेशन. सो स्टारवेशन विल बी करेक्ट फर्स्ट वाला. द फ्लेम स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस, दैट विल बी रिपीटेड. ये रिपीट हो गया है ना, सो जस्ट दैट्स इट. ये हमारा आज का ख़त्म होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो ये सारा रिपीट हो रहा है, तो ये हटा दिया जाए स्क्रीन के सामने से. तो ये हमारे थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो नाउन के ऊपर थे. तो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिस तरह से पहले रूल्स हमने देखे, फिर रूल का एप्लीकेशन देखा, फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ विदाउट रूल भी सिर्फ नाउन्स के ऊपर देखे हुए क्वेश्चन हैं, कहाँ से कलेक्टिव नाउन है, कौन सा कौन, अलग अलग टाइप्स के जो नाउन हमने पढ़े थे उसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हुए हैं. तो आपका पूरा मिक्सअप यहाँ पे होता है. अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो एक वीडियो और मैं तैयार कर सकता हूँ इसके ऊपर. वैसे इट इज़ वेल एंड इनफ. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ द वेल एंड इनफ आई थिंक. तो ये हो गया हमारे पास में, तो हमने नाउन तक पढ़ लिया है. अब जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, तो हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे. प्रोनाउन में हम देखेंगे केस वगैरह भी, और ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं. तो पहले प्रोनाउन के रूल पढ़ेंगे, उसके बाद वैसे ही ऑब्जेक्टिव करके उसको भी ख़त्म करेंगे. ऐसे ही टॉपिक में करवाते जाऊंगा. दोस्तों इतनी मेहनत से हम लोग आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा उस चीज़ का. और आप, हम ये चाहते हैं कि आप डाइवर्ट ना हो, आपकी तैयारी ठीक से हो. ठीक है, तो आपसे सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें. देखिए जब हम पहले वीडियो डाल रहे करते थे, धीरे धीरे व्यूज़ में कमी आ रही है, मतलब आप लोग या तो देख नहीं रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे. ऐसे अगर आपके पास में धीरे धीरे कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा तो फिर आपका मन नहीं करेगा देखने के लिए. ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, धीरे धीरे आपकी पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी. और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अभी कल सर ने हमारे एक वीडियो डाला था, वो किसके ऊपर था कि पीईबी की जो भर्तियां निकल रही है, जो पांच भर्तियों की एग्ज़ाम होने वाली थी, पीईबी ने जो पांच एग्ज़ाम ऑलरेडी डिसाइड कर रखी थी उसके कैलेंडर में, वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड हुई है. तो उसको लेकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है आपको एग्ज़ाम को लेकर के सर ने उस वीडियो में, बहुत ही अच्छे से पूरा समझाया है. तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बाद में बहुत
अच्छा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें उसमें बताई हुई है। तो मैं अब सजेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियोज़ को शेयर करना है दोस्तों। इससे हमारा मोटिवेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप हमारे परिवार का सपोर्ट भी कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप इस वीडियो को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूँ आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।